हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेडीज क्लिनिक। आज कॉमन क्वेश्चन सीरीज में जो मेरे पास सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही आ रहा है कि हाउ टू रिमूव आवर प्यूबिक हेयर, जो हमारे वेजाइनल हेयर होते हैं उनको हम कैसे रिमूव करें, क्योंकि टीनेजर्स में या यंग जो गर्ल्स हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, वो बहुत कंफ्यूज्ड रहती हैं कि हमें जो अपने वेजिनल हेयर्स हैं उनको कट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्लस हमारी कंट्री में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है इस चीज़ को लेकर, तो उनकी मदर्स भी उनको बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर पाती हैं इस बारे में, वो भी कंफ्यूज रहती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप इस टाइप के जो कॉमन से क्वेश्चंस होते हो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं पूछ पाते हो ड्यू टू हेजिटेशन या ड्यू टू एनी अदर रीज़न। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हमारी जो ये प्यूबिक हेयर्स आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब लड़कियाँ बड़ी हो रही होती हैं, जब उनके में फीमेल लाइक करेक्टर्स डेवलप हो रहे होते हैं, उस टाइम पर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स में का ही एक पार्ट है प्यूबिक हेयर आना, एंड इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर प्यूबिक रीजन। लेकिन सबसे पहले तो इंडिया में एटमॉस्फेयर ऐसा है कि बहुत ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट होता है यहाँ पर। सेकेंड थिंग, जो हमारा प्यूबिक एरिया होता है वहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो आई विल सजेस्ट कि आपको अपने हेयर्स ज़रूर कट करने चाहिए, बिकॉज अगर आप प्यूबिक हेयर अपने कट नहीं करेंगे तो यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, यू आर मोर प्रोन टू रैशेस और फंगल इन्फेक्शंस और एलर्जीज। ठीक है, तो नेचर ने इन हेयर्स को हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया हो, कोई भी एक्सटर्नल बैक्टीरिया हो, तो वो इन हेयर्स के थ्रू अंदर ना जा पाए। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन हेयर्स की वजह से ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है लेडीज़ में और यंग गर्ल्स में, बिकॉज दे आर नॉट सो मच अवेयर अबाउट द वेजिनल हाइजीन। तो डैट इज़ वाई अब क्वेश्चन उठता है कि आपको इन्हें कट करना कैसे है। मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप क्रीम्स लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रीम्स लगाने में। लेकिन अगर आप उनको लंबे टाइम तक लगाओगे, रेगुलर उनको यूज़ करोगे, तो ऐसा देखा गया है कि वो जो एरिया है वो डार्क होने लग जाता है, या कई बारी क्रीम्स के यूज़ करने से लेडीज़ को या गर्ल्स को रैशेज, इचिंग, इन्फेक्शन, ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो इसके लिए कुछ हर्बल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एवरटीन के नाम से एक क्रीम है, अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी, ओवर द काउंटर भी आपको इजीली मिल जाएगी, आप उसको यूज़ करके देख सकते हो। नम्या है और रूप मंत्रा है, इस टाइप की जो वेजिनल क्रीम्स हैं आप इनको लगाकर देख सकते हो। दीज आर ऑल हर्बल ब्रांड्स, तो अगर इनसे आपको कोई एलर्जी, इचिंग नहीं है, तो ओकेजनली आप ये जो क्रीम्स हैं इनको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नंबर सेकेंड जो आता है वो आता है रेज़र। आजकल लेडीज़ रेज़र बहुत ट्रेंड में है और वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, वेरी इजी टू यूज़, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन रेज़र आप तभी यूज़ करेंगे जब आप काफ़ी कंफर्टेबल हो उसको यूज़ करने में और आपको प्रॉपर टेक्निक पता है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि रेज़र से कट लगने के चांसेस भी होते हैं। तो आपको बहुत आराम से उसको यूज़ करना है, जब भी आप उसको फर्स्ट टाइम यूज़ करो तो अंडर गाइडेंस ही यूज़ करो, और मेक श्योर कि एवरी टाइम यू चेंज द ब्लेड वेन एवर यू यूज़ द रेज़र। ठीक है, इस चीज़ का आपको उसमें ध्यान रखना है। और अगर आप रेगुलर हेयर कट अपने कर रहे हो रेज़र से, तो आप कर सकते हो, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए इजी रहेगा, तो उस टाइप से भी आप अपने हेयर्स को कट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सीज़र, आप सीज़र से भी अपने हेयर्स को कट कर सकते हो, अपने वेजिनल हेयर्स को। ऑब्वियसली वो सीज़र जो है बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं करेगी, रूट्स तक नहीं जाएगी, लेकिन स्टिल आपके जो हेयर्स हैं वो ट्रिम हो जाएंगे, आप उनको शॉर्ट भी रख सकते हो,
तो वो ट्रिम हो जाएंगे। तो इन तीनों में से आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। द मेन थिंग इज़ कि आपको अपने हेयर्स रिमूव करने ज़रूर हैं, क्योंकि आजकल ऐसा देखा गया है हमारे इंडिया में कि इन हेयर्स की वजह से लेडीज़ को बहुत सारे इन्फेक्शन्स होते हैं, इचिंग रहती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आपको इन्हें कट करना चाहिए। कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ योर पीरियड्स, जब आपके पीरियड्स आते हैं, आप ऑलरेडी आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हो, उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो इन्फेक्शंस के। प्लस अगर आपके हेयर्स भी लॉन्ग हैं, डेंस हैं, तो उसकी वजह से आपने सुना होगा बहुत सारी लेडीज़ को पीरियड्स के टाइम पर इचिंग रहती है, रैशेज हो जाते हैं। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि एवरी टीनेजर गर्ल, एवरी एडल्ट गर्ल, एवरी लेडी के यू मस्ट कट योर हेयर्स इन वट एवर मेथड यू आर कम्फर्टेबल। अगर आप क्रीम्स में कम्फर्टेबल हो, आप क्रीम लगा सकते हो ओकेजनली, नॉट डेली। आप रेजर यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो, नहीं तो फिर सीजर से आप अपने हेयर्स को शॉर्ट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट मेथड है हेयर्स कट करने के लिए। इनमें से आप कोई भी मेथड यूज़ करिए और अपने वेजिनल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए। जिस तरीके से आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, उसी तरीके से इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। सो थैंक्स अ लॉट।